हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ग्लिटर शीट से अपने लड्डू गोपाल के ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 कलर की ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। बेस मैंने रेड कलर की ग्लिटर शीट का बनाया है, जिसे आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। ऊपर की तरफ मैंने इसमें ग्रीन और पिंक कलर की ग्लिटर शीट यूज़ करके इस तरह की पत्तियाँ बनाई हैं, जिसमें सेंटर में मैंने एक एक मोती लगाया है। बेस के हमने इस तरह से डिज़ाइन काट दिया, तो इसके हर कोने के ऊपर मैंने एक मोटा मोती लगाया है। ये 12 नंबर का है और ये 2 नंबर का मोती है। इस तरह मैं अपना ये घेरा बनाती हूँ। मैंने अपनी ओपन चोली बनाई है। ओपन चोली में मैंने चारों तरफ इसमें ग्रीन कलर की लाइन लगाई है और आगे की तरफ मैंने इसमें 3 मोती लगाए हैं और बाजू के ऊपर एक एक मोती लगा के इसको मैंने कंप्लीट किया। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस आपको मेरी कैसी लगी। चलो हम अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर पर एक सर्कल काट लेते हैं। इस सर्कल को हाफ करते हैं, वापस से हाफ करते हैं, वापस से। इस तरह हमारे 8 पत्तियों में 8 जगह बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर हम हाफ सर्कल में इसे ड्रॉ करते हैं। जितना आपको यहाँ पे डीप लेना उतना ले सकते हैं। ये लगभग आधे इंच के करीब मैं नीचे से डीप लेती हूँ और इसे यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद हमारी कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन जाती है। ये कोने निकल जाते हैं हमारे और 8 बीच में हाफ सर्कल बन जाते हैं। यहाँ से भी हम इसे निशान लगा के कट कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं। अब हम रेड कलर की ग्लिटर शीट लेते हैं। इस ग्लिटर शीट पे हमारे इस राउंड को हम काट लेते हैं। ये राउंड हम 8 इंच का लेते हैं, जिसके हम ये डिज़ाइन काटते हैं। अब इसे मैं इस पर ट्रेस कर लेती हूँ और इसे मैं कट कर लेती हूँ। मैंने कट कर लिया है और पीछे से राउंड कट कर लिया है। अब इसको यहाँ कोने वाले हिस्से से काट के इसके राउंड को भी मैं कट कर लेती हूँ। राउंड हम बीच में से 1 या 1.25 इंच का काटते हैं। इस तरह हमारा ये बेस बन जाता है। अब ऊपर लगाने के लिए हम इसमें पत्तियां बनाते हैं, जिसके लिए हम 2 कलर की ग्लिटर शीट लेते हैं। इसके लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर की और एक पिंक कलर की ग्लिटर शीट ली। मैं इन दोनों शीटों के ऊपर सर्कल काटती हूँ। पिंक कलर की शीट के ऊपर तो हम एक अपना 2 रुपये का सिक्का लेते हैं, उसका सर्कल काट लेती हूँ मैं। और ग्रीन वाली शीट के ऊपर इससे थोड़ा बड़ा सर्कल काटते हैं, जो आप किसी भी डिब्बी का कैप ले सकते हैं। तो मैंने लगभग ये 1.5 इंच का रहता है, तो मैं 1.5 इंच का बड़ा वाला राउंड हमारा 1.5 इंच का रहता है और छोटा राउंड लगभग हम 1 इंच का लेते हैं। तो मैं ये इससे से राउंड काट लेती हूँ। इस तरह मैं पिंक वाली पे भी ट्रेस कर लेती हूँ। अब इन दोनों को मैं इस तरह हम अपनी सभी पत्तियों को काट लेते हैं। ये पत्तियां लगभग हम 48 से 50 के बीच में काटते हैं। इस तरह हम अपने सभी पीस काट लेते हैं। अब हम एक ग्रीन राउंड लेते हैं और एक अपना पिंक लेते हैं। यहाँ से हम इसे ग्लू गन से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पे अपने दोनों राउंडों को इस तरह पेस्ट कर लेती हूँ। आगे की तरफ हमारा ये खुला हिस्सा रहता है, पीछे की तरफ हम इन्हें पेस्ट करते हैं।
अब जो हमने दोनों हिस्सों को पेस्ट किया था, अब इसके बीच में हम यहाँ पे ग्लू गन लगा के इस पत्ती को इस शेप में पेस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारी एक पत्ती बन जाती है। दूसरी बना लेते हैं हम। इस तरह हम अपनी सभी पत्तियां बना लेते हैं। इस तरह हमने सभी पत्तियां बना ली। हम अपना बेस लेते हैं। हमारे इन कोनों के बीच में जो हमने ये हाफ सर्कल बनाया है, इसके ऊपर बीच में हम तीन तीन पत्तियां लगाते हैं। तो हम कहीं से भी लगा लेते हैं, जैसे हमारे ओपन वाला हिस्सा, यहाँ से हम लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम तीन तीन पत्तियां लगाएंगे, जैसे एक, ये दो और इस तरह ये तीन, तीन तीन लगाते हैं हम एक रो के अंदर। इस तरह हमारी ये तीन लग जाती है एक रो में। अब इस तीन रो के तीन लगाई है, तो हम इसके सेकंड रो में हम दो लगाएंगे। नीचे की तरह हम इस तरह इसमें एक लगा, फिर यहाँ से हम इनको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह उठा के यहाँ पे भी हम इनमें गम लगा देते हैं। आगे की तरफ पत्ती को उठा लेते हैं हम हल्का सा, यहाँ पे गम लगा के लगा देते हैं, जिससे नीचे वाली पत्ती से चिपक जाती है इस तरह। इस तरह हमारी एक रो बन जाती है। अभी हम सेकंड रो भी बना लेंगे इधर इस तरह ही। शुरू में हम तीन लगाते हैं, फिर दो लगाएंगे और फिर एक लगाएंगे। इस तरह हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सभी जगह अपनी पत्तियां लगा ली हैं। ये हमारी 48 पत्तियां लगती हैं पूरे में। अब जो हमारी पिंक वाली पत्तियां हैं, सभी के बीच में हम एक एक इस तरह का राउंड गोल मोती लगा देते हैं। मैं सभी जगह एक एक मोती लगा देती हूँ उसमें। इस तरह लगाते हुए मैं इसमें पूरे में मोती लगा लाती हूँ। सभी जगह हमने इसमें मोती लगा के इसे पूरा कर लिया। अब जो हमारे सभी जगह कोने हैं, इन कोनों के ऊपर हम इस तरह के मोटे वाले मोती लगाएंगे। ये 12 नंबर साइज का मोती, सभी कोनों पे मैं एक एक मोती लगा देती हूँ। जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है, उसके एक कोने पे लगाते हैं। फिर मैं सभी कोनों पे लगा लेती हूँ। अब हमारा ये घेरा कंप्लीट हो गया। सभी जगह मैंने इसमें मोती लगा के इसे पूरा कर लिया है। अब हम अपनी चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए हम ओपन चोली बनाते हैं, जो मैंने इसे काट लिया है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना इसे बताया है। हम इसकी लंबाई और चौड़ाई एक पेपर पे काट लेते हैं और साइड में आधा आधा इंच करके इसे साइड काट लेते हैं। ऊपर बाजू काट के पीछे से कट कर लेते हैं, बीच में गला काट के इस चोली को बनाते हैं। अब इसे हम डेकोरेट करने के लिए ग्रीन कलर की हम इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेते हैं। इन पट्टियों को हम फेविकोल से इसके चारों तरफ लगा देते हैं। इस तरह मैंने ये राउंड काट रखे हैं, जो अपनी यहाँ बाजू पे लगाती हैं। इस तरह मैं सभी जगह लगा लाती हूँ। इस तरह हमने चोली पे सभी जगह ग्रीन की पट्टियाँ लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। अब आगे की तरफ हम इसमें तीन अपने जो हमने घेरे के अंदर छोटे वाले मोती लगाए थे, ये तीन मोती यहाँ पे लगा देती हूँ।
एक एक मोती अपने बाजुओं पे भी लगा देती हूँ। इस तरह हमारी चोली भी कंप्लीट हो जाती है। अब नीचे की तरफ इसमें मैं ग्रीन कलर का रिबन लगा देती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हम फोल्ड करके अपने कान्हा जी को हम इसे पहना लेते हैं। अब हमारा घेरा भी कंप्लीट हो गया और चोली भी। आपको ये मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।